रेवंत रेड्डी साहब की और सेरेमनी की रैली है, ये हमारा आगाज है। और आज एक क्लियर कट मैसेज दे चुके हैं रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कि 2023 में कांग्रेस आना तय है। आज से KCR TRS और KT रामाराव पूर्व के नींदा हराम हो गए और रेवंत रेड्डी का खाली आना बगैर कुछ अरेंजमेंट के लोगों में एक खुशी, एक उम्मीद, एक लहर। और पूरी आवाम से गुजारिश है कि KCR बंगारू तेलंगाना बनाते बोला, अब पूरा तेलंगाना बना दिया, गोल्डन तेलंगाना बोला, उधार का तेलंगाना बना दिया। और इंशाल्लाह कांग्रेस रेवंत रेड्डी की सदारत में वापस तेलंगाना को गोल्ड तेलंगाना बना के आप लोग का सबका हक देंगे। KCR के वादों की अगर से ताल्लुक से मैं बात करूं तो कल सुबह तक बात कर सकता हूं। उतना बड़ा बट्टेबाज है KCR, उतना बड़ा नंगा है KCR, हर एक बात में झूठ बोला। 12% से लेके डबल बेडरूम, नौकरी से लेके 3 एकड़ तक, वकबोट की जुडिशरी से लेके हर एक बात को झूठ बोला। और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी 2023 में आने वाली है। और आज का जो दिन है आप सोने के लफ्जों से लिख लेंगे और फिरोजखान अपने खून से लिख देता, आज 5 जुलाई 2021 कांग्रेस शुरू हो चुकी है तेलंगाना में। और इंशाल्लाह 2023 में मुख्यमंत्री बन के इंशाल्लाह नतीजा देंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। रेवंत रेड्डी साहब को 1:30 बजे उनका वोट देने का मुहूर्त था, इसीलिए 1:30 बजे वो अपनी दस्तखत लेके चार्ज ले लेके